आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणामों ने ऐसे दृश्य दिखाए जिसमें कई दिग्गज धराशायी हुए तो कई नेताओं ने खुद के वजूद को बमुश्किल बचाया भी, लेकिन इन चुनाव परिणामों में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंकाया। हम एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसने कांग्रेस के अभेद किले को ढहा दिया और मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक के साथ भाजपा की प्रचंड आधी से अपने आप को बचाकर विधायक बना लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले की सैलाना सीट की, जिस पर भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार की जीत हुई, जिसने उम्मीदवार ने चुनाव कर्ज और चंदा लेकर चुनाव लड़ा। उस शख्स का नाम है कमलेश्वर डोडियार, जिसका ना तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है और ना ही सियासी पारिवारिक पृष्ठभूमि। झोपड़ी में रहने वाले और पढ़े लिखे होने के बावजूद मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले कमलेश्वर डोडियार अब लोकतंत्र के मंदिर में विधायक बन गए, जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को पटखनी दे दी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार की चर्चा हो रही है। डोडियार पिछले कई सालों से आदिवासियों के मुद्दे पर संघर्ष करते और कई बार जेल गए, उनकी समस्याओं के लिए प्रशासन से लड़ते रहे और आदिवासियों का भरोसा जीता। कमलेश्वर को मिली जीत ने फिर साबित कर दिया कि अगर जनता के कष्ट और दुख दर्द में नेता खड़ा दिखेगा तो मतदाताओं का आशीर्वाद उसे मिलेगा। आपको बता दें, जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तब भी उनकी मां मजदूरी के लिए गई हुई थी। एक मजदूर परिवार का बेटा रतलाम की सैलाना सीट से अब विधायक है। तस्वीरें बता रही है कमलेश्वर डोडियार की झोपड़ी को, जिसमें वे और उनका परिवार किस गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का धम्भ भरने वाली केंद्र सरकार है, वहीं इस योजना से कमलेश्वर डोडियार का घर परिवार देखने के बाद लगता है कि शासन की ये योजना अभी भी झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंची। ये एक बड़ा सवाल है। रतलाम जिले के लूणी ग्राम पंचायत में राधाकुआ गांव निवासी कमलेश्वर डोडियार ने ग्रेजुएशन के बाद 4 साल तक राजस्थान के कोटा जाकर मकान निर्माण में मजदूरी की। बाद में पढ़ाई का मन हुआ और LLB के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। रहने खाने के लिए आर्थिक परेशानी भी आड़े आई। अनुत्तीर्ण हो गए तो घर लौटे और मजदूरी शुरू की। रुपए जुटाकर फिर दिल्ली गए और LLB पूरी की। कमलेश्वर डोडियार ने कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को 4,618 मतों से मात दी, जबकि भाजपा उम्मीदवार संगीता चारेल तीसरे स्थान पर रही। इस सीट पर प्रदेश का सबसे अधिक मतदान 90.8% हुआ। कमलेश्वर डोडियार का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा था। विधायक बनने के बाद उनका अंदाज ही अलग नजर आया। उनका विजय जुलूस ऑटो रिक्शा में निकला, जो ऑटो रिक्शा के ऊपर सवार होकर मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे थे। विधायक डोडियार को कागजी कार्यवाही के लिए भोपाल स्थित विधानसभा सचिवालय आना था। उनके पास चार पहिया वाहन किराए पर लेने के लिए रुपए नहीं थे। ऐसे में वे अपने एक साथी को लेकर बाइक से ही सैलाना से भोपाल के लिए निकल पड़े। करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय कर भोपाल पहुंचे। आपको बता दें, कमलेश्वर डोडियार की जीत ने गरीब और मजदूर वर्ग में एक नई उम्मीद जगाई, जो भारतवर्ष के परिपक्व लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित कर रहा था। न्यूज लीडर्स की विशेष पेशकश देखिए। जी, बताएं आपकी जीत के क्या आधार है और किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था? जीत के आधार था, हम लोग पहले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों के हकों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और हम लोग मुद्दे ले गए थे लोगों को, सड़क, पानी, बिजली, लोगों को पीने का पानी, सिंचाई करने के लिए पानी और बिजली, सिंचाई करने के लिए लोगों के घरों तक जाने के लिए ठीक ठाक रास्ते, सड़कें और शिक्षा, एजुकेशन। इस गांव के अंदर जो स्कूल वो ठीक ठाक नहीं है, तो कुछ बुनियादी जो चीज़ें होती उसको लेकर के हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। पढ़ाई लिखाई लोग करने के बावजूद भी लोग पलायन पर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, साथ पढ़ने के बाद भी लोग पलायन पर जा रहे हैं दिहाड़ी करने के लिए। तो यही हमारे बेसिक मुद्दे थे, इनको लेकर के। क्या मुख्य कारण रहा है आपकी जीत के? मेरा मुख्य कारण तो हमारे कार्यकर्ता, मेरे संगठन और मेरी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के सारे कार्यकर्ता का, इसका कारण रहा है जीत का, और गरीब तबके के लोगों ने मुझे बहुत वोट दिया। सर, चुनाव से पूर्व आपके ऊपर कई मामले लाद दिए गए थे? ये तो साहब बहुत सारे मुकदमे, 18-19 मुकदमे हो गए थे, मैं इनसे डरता नहीं था, झूठे मुकदमे सारे होते रहते हैं। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी मतदाताओं के लिए, किस तरह के आप काम करेंगे? मतदाताओं के लिए तो मैं अब ज्यादा अच्छे तरीके से काम करूंगा, हर व्यक्ति की बेहतरी के लिए काम करूंगा। सैलाना विधानसभा क्षेत्र की मुख्य क्या समस्या है और उसके लिए विधानसभा में आप क्या आवाज उठाएंगे? अभी यूँ देखे तो आदिवासी समाज जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर में, उसकी आजीविका जो है वो खेती बाड़ी पर चलती, मजदूरी पर चलती। तो मेरा ये फोकस रहेगा कि लोगों की खेती बाड़ी ठीक ढंग से हो सके, एग्रीकल्चर वो ठीक से कर सके, उनके खेतों तक मैं पानी पहुंचाने के इंतजाम करूंगा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो बार बार समस्या पैदा होती लाइट की,
सिंचाई करने के दौरान, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। दूसरा, मैं जो पलायन पर लोग जाते हैं, हमारे समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी समाज के, उनको मैं रुकवाने के लिए किसी इलाके में कुछ रोजगार के इंतजाम करूंगा। चूंकि आप निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो आप रूलिंग पार्टी से अपना सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? मैं तो सबसे बिठा लूंगा, मेरे लिए कोई डिफिकल्ट टफ नहीं। कोई सी भी पार्टी, किसी भी चरधारे की पार्टी को, मैं अपना काम मतलब अच्छे से करूंगा, लोगों की भलाई के लिए सब पार्टी से बातचीत कर लूंगा।